साल भर तक ऊंघती पुलिस पर्व समारोहों के मौके पर अचानक जागती है और डंडा लेकर दौड़ पड़ती है। दुर्गा पूजा से पहले शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस ने अनगिनत लोगों पर धारा 107 लगाकर खानापूर्ति तो कर ली, लेकिन किशनगंज पुलिस ने तो पूरे विभाग को पीछे छोड़ते हुए शांति भंग की आशंका वाली यह धारा 10 साल के एक मासूम पर लगा दी है। कोर्ट के कागजों और सरकारी कामकाज में उलझा रोहित डरा हुआ है। उसे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो रहा है। बस वह इतना जानता है कि पुलिस उसे पकड़ सकती है, बंद कर सकती है और मारपीट तक कर सकती है। दरअसल पुलिस ने दुर्गा पूजा और बकरीद से पहले एहतियातन उन लोगों पर धारा 107 लगा दी है जिन पर शांति भंग करने की आशंका है। कामकाज में खाना पूरी करने वाली पुलिस ने आंखें बंद करके जिन गांव वालों के नाम लिखे उनमें चौथी कक्षा का छात्र रोहित भी शामिल है। रोहित के घर वालों का आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने उन्हें परेशान करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। सर हमसे माछ मांगा नहीं दिए, उसी पर हम माछ का काम करते हैं। अब बच्चा का तो जगह जमीन नहीं, नहीं हम चले जाते हैं। माछ मांगा नहीं दिए उसी पर कौन मछली 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 मांगा कौन कौन नहीं कौन मछली मांगा था आपसे खाना वाला नहीं चौकिया मांगा नहीं दिए इसी से दुश्मनी से बदल दिए बच्चा ठोके परेशानी करने खाते। कानून के जानकार भी इस घटना को नहीं पचा पा रहे हैं बल्कि वे रोहित के परिजनों के आरोप का समर्थन करते हैं। पुलिस तो किसी के कहने पर नाम दे देती है ना, पुलिस छानबीन कम और हेट पूजा पर ज्यादा ध्यान देती है। मामले के तूल पकड़ने के बाद एस डी ओ ने थाना प्रभारी से इसकी पूरी जानकारी मांगी है। अगर वो किसी और रोहित सैनी या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं ऐसा वो साबित कर दें कि साहब कोई और व्यक्ति है और नोटिस के मामले में कुछ प्रॉब्लम हुई है तब बात अलग होगी, लेकिन अगर वही वह बच्चा है जिस तो तुम बिल्कुल लापरवाही है। देखते हैं अभी, अभी लेट दे रिपोर्ट कम उनकी रिपोर्ट आने दीजिए। लापरवाही हो या जानबूझकर की गई गलती, यह घटना सिर्फ चिंताजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक है जिसमें बच्चों के अधिकारों का हनन भी शामिल है। रामकुमार अंशु, सहारा समय, किशनगंज।